नमस्कार, मैं कविता। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज की ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। अचारी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टिफिन आटा लिया है और इसी टिफिन के मेजरमेंट से हम पानी लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और एक बड़ा चम्मच इसमें मैंने ऑयल ऐड करा है ताकि हमारा आटा सॉफ्ट बने। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और ऑयल अच्छे से हमारे आटे में मिक्स हो जाए। तो इसको हम एक से दो मिनट मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी लेके इसी से ही मैं आटा गूंथूंगी। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और अपने आटे को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पानी धीरे धीरे डालेंगे और आटा हमारा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा ही सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम हम आटा रखेंगे। तो बस इस तरीके से हमें आटा लगा लेना है। जब हमारे पास कोई स्टफिंग ना हो आलू की, गोभी की, मूली की, तो हम ये वाला जो पराठा है बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर लेते हैं और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है हमारा चटपटा सा ये पराठा। तो बस हमारा आटा देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हम सामान ले लेते हैं अचारी पराठे के लिए क्या चाहिए, ये पानी हमारा बच गया इतना। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में ये आम का जो अचार का मसाला होता है ना वो ले लिया है और इसमें एक बड़े कंटेनर में हम ये डालते रहेंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे तीन छोटी प्याज काट ली हैं। मेरे पास छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने यहाँ पे तीन काटी, अदरवाइज़ एक से काम चल जाता है। तीन से चार मैंने हरी मिर्च बारीक काट ली है। और एक बाउल मैंने यहाँ पे ये देखिए नमकीन ली है, जो भुजिया होती है बेसन की वो वाली। इसके अलावा आप कोई और भी नमकीन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये प्लेन बेसन भुजिया ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो अचार का एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ये वाली जो नमकीन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा जो पराठा है वो फटता भी नहीं है। तो इसलिए ये वाला हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ी सी नमकीन और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें नमक मिर्च वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे और आटे में इस तरह से डिप कर लेंगे और इसको हल्का सा मैं बेल लूंगी। तो इतना मैंने इसको बेल लिया है। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे हम। तो इसमें आप अच्छे से स्टफिंग कर लीजिए और बस अब धीरे धीरे से इसको इस तरह से हम उठाएंगे और इस तरह से इसको बंद करेंगे हम, जिस तरह से आप आलू, मूली, गोभी की स्टफिंग करते हैं ना। तो बस इस तरह से हम इसमें भर लेंगे और इस तरह से इसको बंद करते हुए इसको आटे में एक बार पॉलिथीन में लगाएंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे हम। ये देखिए एक बार और इसको आटे में लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको भी बेल लेंगे। और दूसरी तरफ हम अपना जो तवा है वो उसको भी हम गरम कर लेंगे ताकि ये एकदम उसमें हम डाल सकें। तो तवा भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। इसको अब आप इसमें मक्खन, घी, बटर, जिससे आप बनाना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा ये इस तरह से लगा लीजिए और पराठे को इस तरह से डाल दीजिए। तवा हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए और नीचे की साइड सिकने पर इसको पलट देंगे। और फिर हम इसमें, मैं यहाँ पे देसी घी से पराठा बना रही हूँ तो इसमें हम थोड़ा सा वो डालेंगे और इस तरह से सारे इसमें लगा लेंगे। तो बस इसको हम अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे और जब हमारा ऊपर अच्छे से लग जाए तो इसको हम पलट लेंगे और बस इसमें भी हम घी लगा लेंगे। और ये देख रहे हैं आप कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है। तो ये वाले पराठे आप एक बार ज़रूर टेस्ट करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे और ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। पलट के इसको भी हम सेक लेंगे और हल्का हल्का इसको दबाएंगे ताकि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पराठा बनके तैयार हो रहा है।
तो ये अच्छे से हमारा सीख चुका है। देख रहे हैं हम कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। इसको दही के साथ, मक्खन के साथ खाइए, ये बहुत ही यम्मी लगता है। और अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है। चटपटा सा हमारा ये परांठा तैयार है, तो इसी तरह से हम बाकी के भी परांठे बना लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म हमारे अचारी परांठा। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया लगा है, बहुत ही हमारे ये टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब कर नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो तैयार है हमारे खट्टे मीठे अचारी परांठा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय।